नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जा रही हूँ मैं चाय बनाने, हो गई है शाम, क्योंकि आज दिन में नहीं वीडियो बना पाई थी, मैं काम ही इतना था। और साहिल के अंकल आए थे तो उनको खाना बनाया, टिफिन लगाया, जाते समय बोला चाय बना दें, तो क्या नहीं मैंने बना लिया था, भाई पी लिया। तो जाने के बाद उनके बहुत देर तक बैठी रही हूँ, फिर गई ऊपर मिर्चा भर के रख के आई हूँ, हल्के से गीले टाइप के लग रहे थे तो मैं और लाव डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे। फिर मिर्चा भर के रखा ऊपर, साहिल और मैं मस्ती करते रहे। फिर नीचे आई हूँ, झाड़ू लगाया है, अब जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर बर्तन धुलूँगी और देखती हूँ जरा ये क्या कर रहा है। सच में साइकिल में पता नहीं कहाँ से फुचकी फुचका, पता नहीं कहाँ से नाड़े वाड़े लेके आ गया, पूरी साइकिल में बांधे हुए। पूरी साइकिल को ऐसा लग रहा है ना जैसे कि वो घोड़ा नचाने वाले होते हैं ना, उनकी साइकिल सजी होती इस तरीके से सजाए। पहले हम लोग देखते थे गांव में साइकिल पे शीशा लगा होता था, पहियों पे वो पता नहीं रुएं टाइप के होते थे, वो पहिए पे गेर पे पूरे पहिए पे लगाते थे और गोल गोल मोती की तरीके होती थी, वो तिल्ली पे लगी होती थी तो चलती थी साइकिल, कटर कटर करती थी। और आगे जैसे ट्रक में वो चोटी लगी होती है, वैसे चोटी आगे हैंडल पे बांधते थे, पता नहीं उसी तरीके की वो फुचका बांधे हुए थे। दिखाते हैं गधा कहीं का पड़ता नहीं। पूरी साइकिल पे क्या किए, अब देखो कहाँ बांध रहा है। अब उठ जा, चल अब सीधे पढ़ने चलो, उठो। अरे अब कुछ भी खराब हुआ ना पापा देखें कि तुम क्या कलाकारी किए साइकिल पे, कुछ भी टूटा फूटा पापा सही ना करोगे, देखें करे रहो तुम जो करना। सुनाई दे रहा है? अभी तो कम हो गया, आगे हैंडल पे जाने कितना लगाए हुए था, अभी निकालता रहा, पीछे पीछे अब बंधा और बांधने जुटा है। बहुत देर हो गई साहब, चल जल्दी। आगे अच्छा नहीं लग रहा तो पीछे अच्छा लगेगा। कितना मैंने काम किया, पढ़ाई करें चल के। चलो आ जा, आ जल्दी, चाय बना रहे हैं, जब तक बैठो पढ़ने को, फिर वहीं दे रही हूँ चाय जहाँ पढ़ोगे। मैं आके ना मार दूंगी साहब, समझ रहे ना, टेस्ट चल रहा है, उठ जा जल्दी। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और कटोरा देख के हंसी आ रही है, कई किस्म चाय बना के पिए साहब के अंकल, कटोरा में चाय बना के पिए, इसी में मैं भी बनाऊँगी चाय अपना को, फिर बर्तन धुलूँगी जब साहब पापा आ जाए। कटोरे में बनाते हैं अधिकतर, काम करके खाली हुई थी 1 बजे के टाइम, हाँ 12:30 एक बज गए, लेट गए सो गए, सोच रहे हैं कौन जगह है, वैसे सुबह 4:30 के आसपास उठ जाना, सोच रहे होंगे सो गई अब कहाँ जगह ला बना लेता हूँ, चाय बना लिए पी लिए, हम लोगों को नहीं बचाए। मैं जा रही हूँ चाय बना लूँ, चाय बनाती जाऊँगी, आप लोगों से बात भी करती जाऊँगी। चलो सीधा अब पढ़ाई का, बहुत देर हो गई नहीं, अब साल में मार दूंगी, तो जल्दी तुम चाय बना के ला रहे हो, चलो फिर चाय बना के पीऊँ, पीने के बाद बर्तन धोऊंगी, बर्तन धोने के बाद देखती हूँ सब्जी क्या बनाऊंगी। आटा तो इकट्ठा गूंज लिया था, आटा गूंजा रखा हुआ, रोटी भर से रोटी पापा आएंगे तब से सेकेंगे, सब्जी क्या बनाएंगे देखते हैं। पूरी 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 वाला आटा है, पापा से पूछेंगे, पूरी खाएंगे तो पूरी बना देंगे, मुश्किल खाएंगे, कह रहे थे ना गले में दर्द हो रहा मेरे, पर तो पानी नहीं पी पा रही थी, बहुत मेरे गले में दर्द हो रहा था, खाने में छर छरा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कट गया हो ना, और मेरे नाक के अंदर ना फुलिया हो गई लग रहा था, दर्द कर रही है, आज तो आराम है कल तो बहुत ज़्यादा कर रही थी। जल्दी पढ़ने को बैठो,
इस लड़के को फोन भी नहीं मिलता है बिल्कुल भी, ये फोन चलाता वो करता हो, लेकिन अपना खेलने में ज़्यादा बिजी रहता, खेलता बहुत, ये नहीं कि फोन चलाता रहता हो, टीवी देखता रहता हो, खेलने लगता है वो, खेल में ज़्यादा बिजी रहता, मोबाइल से नहीं मतलब रहता कि मोबाइल में ले टीवी में ले ये सब नहीं करता, लेकिन अकेले किसी की ज़रूरत भी नहीं है, अकेले अपना खेलता रहता, डांट भी बहुत पड़ती है, फोन नहीं चलाता है कि गेम खेलता हो कुछ देखता हो ये सब नहीं, अकेले खेलने में बिजी रहता। चाय पक रही है, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। उसकी सब्जी बनाई है ना फूल की, फूल गोभी की सब्जी आलू की बनाई, ये लड़का को टिफिन लगा है, सुबह 3 रोटी लेके गए, 1.5 से ज़्यादा बचा के ले आए, छोटी छोटी रोटी खा के नहीं आया। फूल गोभी बना दो, बंद गोभी बना दो, और उसकी सोयाबीन की भरी की सब्जी बना दो, ये खाते ही नहीं है, बताओ 3 रोटी में 1.5 रोटी खा के आया सुबह, जो कि चाय पी के गए, इतना ये दुष्टयापन करता, खाना नहीं खाता, बताओ क्या बना के रखो इसको, कैसा है, भूख नहीं लगी थी क्या है? अभी तबीयत सही नहीं रही है, अच्छा खासा बीमार हो गए और तुम फिर ड्रामा करने लगे। हर घर के बच्चे ऐसे ही करते हैं। आज कटोरे में बना के हम लोग चाय पियेंगे 2:30 बजे, और आज चले गए, अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों साहिल? साहिल कहता है गया है, अंकल कही चल साहिल छोड़ के आओ, तो साहिल साइकिल में झूला टांगा बैठ टांगा चौरा तक छोड़ने गया कि अंकल चले गए, अच्छा नहीं लगता है उम्मीद। मैं कहा होता है कोई आ जाता है, जाता है तो घर तो सोना लगता ही है, कि आते नहीं है कोई तो सही रहता, को आके चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब एक तो बड़ा दिन होने लगेगा, वो वैसे भी नहीं कटता है गर्मी, बड़ा दिन कटाया नहीं कटता, इतना बड़ा दिन लगता है, कोई आ जाता चला जाता तो और अच्छा नहीं लगता, सर्दियों में तो काम ही करते करते चला जाते। ये देखिए मेरे कटोरे में पक रही है चाय, चाय पक रही है, आज कटोरे में बना के चाय पी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरी कटोरे में चाय अच्छी लगती है कि नहीं, आप लोग कभी बनाते हो कटोरों में चाय? हम लोग कटोरे में चाय बना लेते, शाम हो गई है, लाइट चालू करते। साहिल कहता अंकल कटोरे में मम्मी चाय बनाए थे, पिए थे, आप सो रही थी तो जगाए नहीं थे, क्या कर रहा है? क्या करने में, ये मास्क तुम ले रख लेते हो साहिल, लगाते तो तुम हो नहीं, इतने सारे मास्क लिए स्कूल में भी मिलते हैं, सब डाले रहता है, क्या है लिए दिखा साहिल? चलो पढ़ाई करो साहिल, मच्छर हो गए हैं बहुत, अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है मच्छर हो गए हैं, धूप निकलने लगी मच्छर शुरू हो गए, अभी सर्दी रही है तो मच्छर एक भी नहीं रहे, वो मेरी मशीन भी मच्छर मारने वाली ख़राब थी, सर्दी थी मच्छर थे नहीं तो मशीन को ध्यान ही नहीं देते थे सही करवा ले, अब जैसे मच्छर आना शुरू हो गए हैं तो अब गई है मेरी मशीन जिसके यहाँ से ख़रीदा था उसके यहाँ, अब देखो सही होती है कि नहीं, क्योंकि पहली बात तो इतनी तेज गर्मी, दूसरा मच्छर, तो जीना हराम हो जाता है, गर्मी से पागल हो जाओ मच्छरों से, एक तो गर्मी परेशान करती है, इतना इतनी तेज गर्मी पड़ती है, ऊपर से मच्छर काटते हैं, मशीन गई है मेरी दुकान सही होने, दोनों दरवाजे बंद कर देते हैं तो कम आते हैं, आज थोड़ी लेट हो गए हैं तो आ गए मच्छर, कानपुर मच्छर को तो फेमस है। साहिल गया पढ़ने, अब मैं जा रही हूँ चाय छानूंगी, तो दोनों लोग चाय पियेंगे और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी थुन्नड़ कांच हो रही, देखो
अच्छा चाची की छोपी में छोती रहेगा तुम? ए खाना खा चुकी है, सो रही है, उसको खाना दे दिया। छत में घूम आई, मस्ती कराई छत से, खाना खा लिया, अब सो रही है। चुन 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 चुन। बहुत दुलार करती है, इतना दुलार करती है, खाना ना दो पीछे पीछे इतना प्यार दिखाएगी कि जल्दी खाना मिल जाए। तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, चाय छान लेती हूँ, साहिल और मैं चाय पियेंगे दोनों लोग। आप लोग भी चाय पीजिए क्योंकि हो गई है शाम वाली चाय पीने का टाइम। मिलते हैं आप लोगों से चाय पी। साहिल को चाय दे देती हूँ, साहिल चाय पिएगा, पढ़ाई करेगा। बच्चे क्या अभी उन्हीं पे करो ना, कल तीन पेपर है। तीन पेपर हैं, तीन नहीं, तीन में नहीं होंगे, नहीं होगी। हाँ मैथ के ढेर सारे सवाल होंगे, एसएसटी का, हिंदी का, सर खत्म हो जाएंगे। चाय पियो पढ़ो, जब मैं थोड़ी देर में लेने, नहीं पापा फोन कर रही, पापा लेंगे, टूटे पैसे नहीं है ना। अब पापा दूध वहीं से लाते हैं, दूध को जाती नहीं हूँ मैं, पैसे भी नहीं होते हैं ना टूटे। चाय पियो पढ़ाई करो। हाँ तो बता दिया ना मैंने, सुन लिया, पढ़ो बैठ के। चाय देखना, चाय ना उस पर डाल देना, सफ़ेद शर्ट है। तो मिलती हूँ आप लोगों को चाय पीने के बाद, चाय पी लूँ फिर देखती हूँ सब्जी क्या बनाऊँगी। साहिल के अंकल को तो आलू बना दी थी सूखी सब्जी, अपन लोगों को देखते हैं क्या बनाएंगे। आप लोग भी चाय पीजिए, मैं भी चाय पीती हूँ क्योंकि मेरे को चाय सुबह शाम चाहिए तो चाहिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से चाय पीने के बाद, और चाय भी पीऊँगी, भी देखूँगी साहिल क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, थोड़ी देर उसके पास बैठूँगी, देखना पड़ता है क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, क्योंकि टेस्ट भी चल रहे हैं उसके। तो थोड़ी देर बाद मिलूँगी आप लोगों से। आज पूरी खाने को मन था, पूरी वाला आटा रखा था, तो मेरे को लगा लाओ आज पूरी बना के, आज पूरी बना रही हूँ, सब लोग अब पूरी खाएंगे, बना रही पूरी। चलो आ जाओ, साहिल को देखो उठेगा कि नहीं, नहीं तो बना के नहीं रखूंगी मैं, फिर सुबह के वो बासी अच्छी नहीं लगती हैं, को खाई फिर सो गया। अंकल थे दोपहर में आके सोया नहीं, आगे पीछे घूमता रहा, ट्यूशन पढ़ के सो गया। मेरी पूरी बन चुकी है, आखिरी रह गई, अब जा रही हूँ, बिल्ली को भी खाना दे दूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी, कि वो भी चिल्ला रही है मेरे को भी दो खाना, मेरे को भी, पापा भी टू के खाना खा रहे हैं,
साल सो गया, साल तेरा मेरे को, मैं नहीं खाऊंगा मम्मी, तो सो गया है। तो जा रही हूँ पहले उसको खाना बना लूँ, फिर किचन साफ करूँगी, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर बर्तन धुलूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखो साल सो गया है, बिना खाए थक जाता है, साइकिल चला के जाना चला के आना, सुबह 5 बजे 5:30 उठा देती हूँ इसको भी, चलो पढ़ो तुम भी, थोड़ी देर खेलेगा पढ़ेगा, खेलेगा पढ़ेगा। क्या हुआ, सो नहीं रही हो, सो नहीं रही हो, सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। देखो शायद सो गया, देखो हाँ ये शायद सो रहा है, हाँ शायद, हाँ देखो शायद सो रहा है, शायद सो गया है, चलो जगा, शायद सो जाता है ना तो अच्छा लगता है, इधर उधर से यहाँ से चिढ़ाएगा वहाँ से चिढ़ाएगा, हम अलग करता रहता है, मम्मी चिल्ला है चिढ़ाता रहता, पढ़ता रहेगा, बोलो साल पढ़ रहे होगा, नहीं पढ़ नहीं रहा हूँ खेल रहा हूँ, चिढ़ाता रहता, सो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा खाना पीना हो गया है, अब जा रहे हैं लेट में, ये देखो चेचे का रहे, क्या हुआ, जाओ तुम भी सो जाओ, हाँ जाओ सो जाओ, जाओ जाओ सो जाओ। और बिटू पापा गा रहे हैं गाना और शायद सो गया, मैं भी जा रही हूँ सोने, ये भी सो जाएंगी, अब छोड़ेंगे कि नहीं, ताला डाला थे बीच का गेट बंद कराए थे भी बाहर थी, अभी मैंने देखा तो बैठी हुई थी चुपचाप बाहर, अंदर लाई चिल्ला रही थी खोलो खोलो, लीड लगाए तो कहाँ सुनाई दिए, तो ऐसे अचानक देखा दिख नहीं रही कहाँ गई, देखा तो बाहर से चिल्ला रही थी, लेट गई, कोई घर पे नहीं रहता ना, थोड़ी बहुत इसी पे टाइम पास होता है, अच्छा नहीं लगता, साहिल भी स्कूल चला गया, पापा भी चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, इसी में थोड़ा बहुत टाइम कटता है। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आ रही है नींद, जा रही हूँ सोने, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे टूटी फूटी बनाऊँगी जैसे बनती है वैसे बना लेती हूँ, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताया करिए आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, इतनी अच्छी नहीं बनती हैं पर बना लेती हूँ जैसी बनती हैं। ये देखो सो रही है, बैठ के तो वीडियो पर को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि रात भी हो गई भी और नींद भी आ रही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगती है। मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मेरे को उठना पड़ता है सुबह जल्दी, और बज गए हैं 10:30 के आसपास, तो गुड नाइट, बाय बाय।